जो देखने में और मजा आएगा। अगर नहीं देखे हो तो भाई अफसोस करोगे, ये चीज मैंने कैसे मिस कर दिया, जो इतना प्यारा चीज दिखाया उस मेला का, सबसे प्यारा चीज वही है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल थानेदार ब्लॉग। तो स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज अभी आ गए हैं अपने घर के बैक साइड में, तो यहाँ पे बहुत हरियाली है और बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे है, तो मैं सोचा यहीं पे और वीडियो के स्टार्टअप यहीं से करता हूँ। तो गाइज अभी पता है कि आम और लीची का सीजन चल रहा है, तो अपने थानेदार भैया के पास इधर आम भी देख सकते हो गाइज, और इधर लीची भी है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर है वो आके पेड़ से तोड़ कर आनंद ले सकते हो आम और लीची का, और खाने का मजा गाइज, तोड़ कर नहीं मतलब तोड़ के खाने का मजा। तो गाइज आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि गाइज अपने एशिया में पहले लगता था एशिया के सबसे फेमस मेला था सोनपुर मेला, जो एशिया में सबसे बड़ा मेला जिसको माना जाता है, तो उसी से कंपेयर करके उसी को देखकर अपने मुजफ्फरपुर में पशु हाट मेला को लाया गया था, इस बार लगाया गया था। पशु हाट मेला नाम था और कुछ भी था, मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले गया था वहाँ पे, और अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था, इसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो गाइस ये मेला ना बहुत बड़ा मेला लगा था, यहाँ पे लगभग पूरा जानवर सभी जानवर को यहाँ पे लाया गया था, एलिफेंट वगैरह जो भी था, आप वीडियो में देख लेना। और ये ऐसे मैं ये बता दूँ कि ये मैं दो पार्ट में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा मेला था, इतना चीज़ इसमें दिखाने वाला था कि मैं एक पार्ट में नहीं कवर कर सकता हूँ, तो इसको दो पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ। जो पहला पार्ट है जिसमें उस मेला में जो पहला पार्ट में जो दिखाया गया है, जो शिव जो हमारे भगवान शिव है उनके विवाह को दिखाया गया है, शिव विवाह, जो बहुत प्यारा बहुत यूनिक चीज़ है गाइज। आप देखोगे तो कहोगे भाई ये मैं मिस कर दिया। अगर आप लोग देखे होगे मेला में जाके तो ये वीडियो देखने में और मजा आएगा, अगर नहीं देखे हो तो भाई अफसोस करोगे, ये चीज़ मैंने कैसे मिस कर दिया, जो इतना प्यारा चीज़ दिखाया उस मेला का, सबसे प्यारा चीज़ वही है। और वहाँ पे बहुत सारे और भी भगवान है जिसका स्टैचू और मूर्त बनाया गया है, जो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा प्यारा बनाया गया है, तो वो सब मैं सोचा मुझे अपलोड करना ही करना चाहिए ये वीडियो को। तो इसके लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे अपने बैक एरिया में आके इसको स्टार्टअप दे रहा हूँ वीडियो को, तो मैं कोई स्टार्टअप नहीं किया था तो स्टार्टअप करना चाहिए था। तो जाकर वीडियो देखो गाइस, पूरा वीडियो देखना, और इसका सेकेंड पार्ट जो आने वाला है वो तो ज़रूर देखना, उसमें और भी बहुत सारे जानवर बहुत चीज़ दिखाया गया है, जो आप अगले साल लगेगा तो आप ज़रूर जाना प्रेफर करोगे। तो आप जो सोनपुर मेला लगता है ना टू कॉपी, उसी की तरह लगाने का कोशिश किया गया है। और मेरे अंदर से भीड़ इतना था ना गाइस, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी ये इतना बड़ा मेला अपने मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है, तो हुआ है। और जाके वीडियो देखिए, मिलते हैं सीधे और मेला में। तो आप लोग देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना गाइस। हे गाइस, तो हम लोग मेला के करीब, बहुत ही करीब आ गए हैं। और गाइस अभी दिखा नहीं, वो कैमरा स्टार्ट नहीं था गाइस, और पीछे ही बहुत बंदा घेर के पार्किंग के लिए एकदम भाई अंदर जाने के लिए बोल रहा है। तो ये देखो गाइस पार्किंग के लिए, ये देखो हल्ला कर रहा है गाइस, और ये देखो भाई, मतलब ये मेला है या क्या, मतलब ये पार्किंग में इतना इतना तो क्या है गाइस, पूरा खेत को ही ये पार्किंग बना दिया ये लोग। आगे है ना पार्किंग, नजदीक लगाएंगे गाइस। हमको तो पता नहीं, जब पार्किंग ही गाइस इतना है तो आप लोग सोच सकते हो कि अंदर भीड़ कितना होगा। इधर देखो दोनों साइड आप देखो, ये पार्किंग है सिर्फ। अन्ने ज्योति ज्योतले माता जलती रहे, और आगे है, और आगे है। और यही जगह है गाइस जहाँ रासलीला रंगलीला सभी होता है गाइस। तो गाइस चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद आप लोग को सैर कराते हैं मेला का। कहाँ हो गया बाबू, अब मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अपने फोन से रिकॉर्ड करूंगा, तो कैमरा को बंद करते हैं गाइस, चलते हैं अब मेला के अंदर। गाइस ये
यही है श्री अनुज बाबू पशु मेला एवं हाट बाजार। तो मेला का नाम यही है। चलते हैं गाइस अंदर में, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है गाइस। चलते हैं अंदर में, मिलते हैं अंदर। आते ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डॉल देखने को मिलेगा, जो ये लोग शायद अपने हाथों से बनाए हैं। तो गाइस ये मेला बहुत ही बड़ा है। मैं अंदर घुसा और मुश्किल से 10 से 15 कदम चला, लगभग मैंने सारा चीज, मतलब ये मैं बाइक वगैरह सभी इसमें बिक रहा है और बहुत सारा सामान है। और इस मेला का सबसे खूबसूरत और सबसे दृश्य जो चीज़ है, जो देखने आ रहे हैं लोग, वो ये है गाइस। चेक करो गाइस, इस बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ा, ये मतलब आप बहुत दूर तक है गाइस ये। तो ये अद्भुत, क्या कह सकता हूँ, मतलब इसके बारे में मैं कह ही नहीं सकता होगा। बहुत ही खतरनाक, मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। होप कि आप लोग को ये वीडियो और ये जो दिख रहा है, तो हमारी माता रानी जो दुर्गा जी दिख रही है, भाई अद्भुत, कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ लफ्ज ही नहीं बना सकता। Thank you.
का भी जन्म हो गया है।